बहुजनों को नई गीतों की ऊर्जा श्रृंखला देने वाले एक राइटर और एक गायक हुआ करते थे बुद्ध सिंह प्रेमी जी, जिनकी ढेरों सारी किताबें, ढेरों सारे गीत आज रिकॉर्ड में हैं। और जितने भी बहुजन गायक हैं उनके गीतों को पुष्पांजलि देते हैं और उनको पूरे देश विदेश में गाते हैं। उन्हीं गीतों की श्रृंखलाओं में हमारे एक साथ हैं आज बहुत बड़े गीतकार हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, मैं सभी दर्शकों का जी आभार व्यक्त करता हूं। शशि भूषण जी, बुद्ध सिंह प्रेमी जी के सभी लोग गीत गाते हैं, तो मैं चाहूँगा उनके इतिहास पर भी आप नज़र डालें कि क्या था बुद्ध सिंह प्रेमी जी का क्या इतिहास था, उन्होंने बहुजनों के गीत क्यों लिखने पसंद करे, और उनके कौन से ऐसे जो बढ़िया गीत हैं जो अभी तक आ चुके हैं, वो गीत जरूर आप चाहूँगा कि आप सुनाएं और बताएं। देखिए, जब जिक्र बुद्ध संघ प्रेमी जी का है तो आपको लेकर चलता हूँ कि बुद्ध संघ प्रेमी कैसे बने। एक बार मेरठ के सिहानी गेट जो मैदान है वहाँ बाबा साहब की एक सभा थी, और बागपत बड़ौत के रहने वाले एक बलवंत नामक लड़के ने जब सुना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस सिहानी गेट मैदान पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं, तो वो स्कूल छोड़कर बंक करके स्कूल से छुट्टी लेकर निकल के और बाबा साहब की उस सभा में गए। चूँकि वो लिखते हैं कि साइकिल से वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ बाबा साहब को सुना और रात को अपने घर वापस पहुँचे। तो बाबा साहब को सुनने के बाद में उन्होंने एक निर्णय लिया कि जिस घर में सम्मान ना हो घर को छोड़ दो, जिस परिवार में सम्मान ना हो परिवार को छोड़ दो, जिस गली मोहल्ले शहर में सम्मान ना हो उस गली मोहल्ले शहर को छोड़ दो। और यही किया बलवंत नाम के उस नौजवान ने। वो दिल्ली आए और बाबा साहब की इतिहास और उससे जो जानकारी थी बौद्ध धर्म पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में जो उनके अंदर एक कला थी, उस कला को अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मैं उनको आधुनिक कबीर मानता हूँ, क्योंकि कबीर भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें दी, दोहे इतने अच्छे दिए कि आज सभी कबीर के दोहे सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही बलवंत सिंह भी ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रेमी की लड़ियाँ नामक किताब 5 भागों में दी और इतने सुंदर सुंदर गीत उन्होंने बौद्ध साहित्य को दिए कि जो भी व्यक्ति प्रेमी की लड़ियाँ या उनके गीतों को सुनता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। तो मैं बता रहा था कि जब बुद्ध संघ प्रेमी दिल्ली आ गए तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुसार अपना नाम रखा बुद्ध संघ प्रेमी। बुद्ध संघ प्रेमी क्योंकि इनके जो पिता थे वो आर्य समाजी थे, चूँकि इनके पिता और ये खुद भी बचपन में आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा उसके बाद में फिर ये बाबा साहब और बुद्ध धम्म के होकर रह गए। और अपने जीवन के अंत तक बुद्ध संघ प्रेमी अपने गीतों से, अपनी उन दोहों से, अपनी उन लड़ियों से, अपने उन छंदों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। हालांकि मैंने ज़्यादा उनको नहीं देखा, सिर्फ एक बार उनको देखा, उनसे मिला। उस समय मैं भी बच्चा था और वो मेरे गांव में खुद एक प्रोग्राम के लिए, जिसमें पिताजी ने उन्हें इनवाइट किया था और वो प्रचार प्रसार के लिए आए थे वहाँ, तो तब मैंने उनको देखा। अंतिम समय उनका वो चल रहा था और कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से चले गए, नहीं रहे, लेकिन मैंने उनको देखा। क्योंकि घर पे आए थे तो आशीर्वाद भी मिला, तो उनके गीत एक ऐसे गीत थे, बड़े तार्किक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। कुछ गीत आपके इस तरह से थे कि भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा, और जहाँ ज्ञान का दीप जला वहाँ रहता क्यों अंधियारा। वो समझाते हैं कि यहाँ जो दीपक जला उस दीपक ने पूरी दुनिया में रोशनी की, लेकिन उस दीपक की रोशनी यहाँ क्यों नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि कारण इसके पैदा होते नए नए भगवान यहाँ, और अपने को अवतार बताकर देते हैं व्याख्यान यहाँ। ऐसे शब्दों को बुद्ध संघ प्रेमी ने रचा, गीत बनाए और लोगों तक पहुँचाए।
उनके बहुत सारे गीतों को मैंने गाया। एक गीत उनका जो बेहद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तार्किक गीत है। तार्किक गीत है कि ईश्वर है भाई, ईश्वर है कहती है दुनिया सारी, लेकिन उसके होने पर मुझको है संदेह भारी। ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने माला में प्रयोग कर गीतों का निर्माण किया। बहुत सारे गीत उन्होंने बनाए। एक गीत मैं उनका अक्सर जब भी कहीं प्रोग्राम देता हूं तो उस गीत से ही मैं उस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं, और वो गीत है कि बाबा से पहले शोषित तेरी क्या थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है यानी कहानी। वस्त्र नहीं था तन पर, फिरता था तू जराया, पीने को ना किसी ने तुझको दिया था पानी, बाबा से पहले शोषित तेरी क्या थी जिंदगानी। ऐसे कवि, ऐसे आधुनिक कवि जो उनकी लेखनी है आज भी आज के गीतकारों को रोशनी देती है, राह दिखाती है। तो ऐसे महान गीतकार बुद्ध संघ प्रेमी जी का आज हम जिक्र कर रहे थे। आप भी उनके बारे में पढ़ें, जानें, वो भी आने वाले वक्त में एक बौद्ध धम्म और बाबा साहब के अनुयायियों में स्तंभ साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी आशा के साथ आप सभी दर्शकों से जय भीम जय भारत। आप थे हमारे साथ शशि भूषण जी, जिन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया बुद्ध सिंह प्रेमी जी के बारे में। और गीतों के माध्यम एक ऐसा होता है किसी को भी धरती से आकाश पर जोड़ने का काम करते हैं गीत, क्योंकि गीत की जो माला होती है एक रिदम होती है, एक म्यूजिक होता है, म्यूजिक से ही दुनिया चलती है। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वो भी म्यूजिक की थाप पर लेता है। जितने भी बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं अगर उसमें से म्यूजिक को निकाल दिया जाए तो वो बिल्कुल निर्जीव हो जाएगा। और गीतकार जितने भी होते हैं, राइटर जितने भी होते हैं, वो आपको अंतर्मन से और परमात्मा जिसको हम बाबा साहब बोलेंगे, जो एकदम आपसे तार जोड़ते हैं, वह काम करते हैं राइटर। और इतना खूबसूरत गीतों का निर्माण करा था बुद्ध सिंह प्रेमी जी ने। आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करी, साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।